और पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा लाइन लगा है गाड़ियों की, उन सभी के बालों से ये सब बना हुआ है। और इसमें तो पूरा ये अरबी में ही लिखा हुआ है। ये एक पूरा ट्री टाइप का, पेड़ टाइप का बना के रखा है ऊन से। ये देखो, ये देखने के बाद में आपको, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, इतनी बड़ी भाई साहब ये बोर्ड है। तो अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल या फिर टाइटल को देख करके इस वीडियो पे क्लिक किया है, ये सोचकर कि इस वीडियो में मैं आपको कोई साधु का घर दिखाने वाला हूँ, वो साधु जो हिंदू रिलीजन में होते हैं, तो ऐसा कोई भी घर मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ। बल्कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने वाला हूँ जिसका नाम तो साधु हाउस है, लेकिन वो एक कुवैती हाउस है। और इस घर में कुवैत का जो पुराना कल्चर है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये यहाँ पर ये है वो साधु हाउस जिसके अंदर भी हमको जाना है। उसके बाहर में देखो भाई साहब कितना अच्छा यहाँ पर रोड बना के रखा है। रोड में ही पूरा अलग अलग पत्थर कलर का, अलग अलग कलर का पत्थर लगा के रखा है, और पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा लाइन लगा है गाड़ियों की। और आसपास में ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है माहौल है, ये कुछ एरिया यहाँ पर साधु हाउस के बाहर साइड का। तो ये जो साधु हाउस है ना, इसके आसपास में ये कुछ एरिया है, और ये साधु हाउस कुवैत सिटी में बना हुआ है। तो ये अभी मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, ये इसका यहाँ पर एक डोर बना हुआ है जो कि बंद पड़ा हुआ है, और सेम ऐसा ही डोर वहाँ पर भी है जो कि ओपन है, तो वहाँ से हम शायद एंट्री करेंगे। और एक चीज़ और, ये जो घर है ना साधु हाउस, इसी के बगल में इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर सी साइड है, बीच है वहाँ पर, वो सी साइड है, समंदर है, जो कि मालिया बीच। आप यहाँ पर अगर कुवैत में रहते होंगे तो आप इसको जानते होंगे, मालिया बीच के नाम से ये सी साइड मशहूर है यहाँ पर कुवैत में। तो चलो चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि इस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है देखने के लिए। ओके देखिए, इस घर के बाहर जहाँ खूबसूरत रास्ते बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये घर पुराने और नए अंदाज में बना हुआ है, जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियाँ कुवैत के पुराने घरों की याद दिलाती हैं। सो भाई लोग, अभी हमने यहाँ से एंट्री की है, इस साइड से एक इसका मेन डोर है जहाँ से हम अंदर आए हैं, और ये इसका यहाँ पर ग्लास का डोर लगा हुआ है। और अंदर जैसे ही आप आएंगे, तो अंदर आने के बाद में कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक आपको हॉल मिलेगा। और हाल में जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी कपड़ों की, जो यहाँ पर दिखाया जाता है इस साधु हाउस के अंदर। तो ये कुछ यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ चारों तरफ से पिलर बने हुए, उनके बीच में यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई। और ये जो हॉल है ना, इसी के बगल में ये चारों साइड से जो है छोटे छोटे रूम बने हुए, जिनमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। सो ये यहाँ पर एक बड़े बड़े अलमारी टाइप के लगे हैं, जिनमें बड़े बड़े ग्लास भी लगे हुए हैं, मुझे आप देख रहे होंगे ग्लास में। तो ये जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जगह जगह पर हर चीज़ के बारे में डिटेल लिखी हुई है। तो ये पुराने ज़माने के बर्तन हो गए, और ये एक टेंट टाइप का स्केच बना के रखा है, उसी के बगल में ये भी लगा के रखा है कपड़ा। तो इसके बारे में यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि ये पुराने ज़माने में जब घर नहीं होते थे इंसानों के, तो उस टाइम में यहाँ पर अरबी लोग जो थे वो ऐसे टेंट लगा करके रहते थे, खेमे, जिसको खेमा भी बोलते हैं अरबी में, तो खेमे लगा करके ऐसे रहते थे। और जो खेमे बनते थे वो इस तरीके के कपड़े रहते थे, इस तरीके के कपड़ों से जो है इस तरीके के टेंट बनते थे, जिनमें यहाँ पर ये जो अरबी लोग थे पुराने ज़माने में रहते थे। सो ये जो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम बना के रखा है, इसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखो, यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये है ऊन, जो ऊन स्वेटर बुनने के लिए होता है ना ऊन, तो वो कुछ इस तरीके का होता है पहले। और ये जो है ना, ये ऊँट जो होता है, कैमिल और भेड़ और बकरी, जो गोट होती है, उन सभी के बालों से ये सब बना हुआ है। कुछ ऐसे जब खेमे लगते थे, खेमे में जो औरतें होती थी अरबी, वो लोग ऐसे यहाँ पर जो है बनाती थी, और एक वहाँ पर वुमेन भी बैठी हुई है खेमे के बाहर। तो ये पुराना जो कल्चर था उस टाइम में, कैसे लोग रहते थे, ऊन को कैसे बनाते थे, और बनाने के बाद में स्वेटर वगैरह कैसे बनते थे, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है। ये ऊन बनने के बाद में बकरी और ऊँट के हेयर से जो है ये बनता था ऊन, और ये इसको कलर करने के लिए जो नेचुरल जो चीज़ें ली जाती थी, वो यहाँ पर जड़ी बूटी वगैरह जो है दी है। ये यहाँ पर दे कर के एक एक सैंपल हर चीज़ के रखे हुए हैं, जड़ी बूटी इनसे जो है कलर
कलर बनता था। कलर बनाने के बाद में कुछ इस तरीके से नेचुरल कलर बना के इनकी डाई होती थी, डाई जिसको बोलते हैं कलर। तो ये एक पूरा रूम हो गया जिसमें पूरा डिटेल में हर चीज़ दिखाया गया ऊन के बारे में, कि ऊन कैसे क्या बनता है और बनने के बाद में कैसे बुना जाता था वो दिखाया है। और इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा इसी के सामने यहाँ पर एक रूम दिया हुआ है जिसमें ये एक सामने एक स्केच लगा हुआ है ऊँट का, कैमल का। ये देखो टेंट वगैरह जो है पूरा दिखाया हुआ है एक स्केच में। तो ऊँट के जो बाल रहते थे उसके बालों से जो है बुना ऊन बनाया जाता था, बनाने के बाद में वो कपड़ा बनता था, और कपड़ा बनने के बाद में कुछ इस तरीके से टेंट वगैरह बनते थे पुराने ज़माने में। तो अगर आपको ऊन जो होता है ना उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है कि ऊन जो होता है वो कैसे क्या बनता था पुराने ज़माने में, और स्वेटर वगैरह कैसे क्या अब बनते थे, कलर कैसे किया जाता था, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको आने के बाद में उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या ऊन बनता था, किन चीज़ों से बनता था। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट जगह पर और देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। इस घर में अलग अलग धागे और ऊन के कपड़े लगे हुए हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो ऊन और धागा बकरी और ऊंट के बालों से बनते थे, और साथ ही साथ रेगिस्तान से लेकर टाउन तक यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक यहाँ पर एक छोटा सा रूम टाइप का बना के रखा है, इसमें भी सिमिलर चीज़ें ही लगा के रखी हैं, लेकिन एक ये चीज़ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पर्दा टाइप का कुछ लगा, और इसमें एक चीज़ ये देखो, ये जो है ना ये आपको पानी में समंदर में तालाब वगैरह में ये मिलते होंगे, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पानी के अंदर समंदर में या फिर नहर में। तो देखो ये इतने नॉर्मल से पत्थर को स्टोन्स को लेकर के कितने अच्छी जगह यूज़ करके कितना अच्छा जो है डिज़ाइन बना कर के रखा हुआ है, इसकी यहाँ पर डिटेल भी पूरी लिख के रखी है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, पूरा डिटेल में लिख के रखे रखा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे वो चीज़ देखने को मिल गई जिसे मैं कभी अपने बचपन में अपने घर में देखा करता था, वो चीज़ जो कि हमारे गांधी जी को बहुत पसंद थी। सो ये देखो, ये देखने के बाद में आपको बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, इसको बोलते हैं चरखा। ये गांधी जी को आपने देखा होगा बहुत सी जगह, गांधी जी के फोटो को मैं फोटो के साथ में ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी। तो ये जो चरखा है ना इसको पुराने ज़माने में यहाँ पर अरबी लोग कैसे यूज़ करते थे उससे रिलेटेड यहाँ पर एक ये देखो फोटो लगा करके रखी है पिक्चर, जिसमें एक कोयती है जो कपड़े को बुन रहा है, खादी कपड़ा जो होता है, और वो एक बंदा है जो इस चरखे को चला रहा है, और इसको बुनने के बाद में जो कपड़ा तैयार होता था उससे क्या बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सो ये देखो यहाँ पर इसको शेख लोग, बड़े बड़े जो शेख लोग होते हैं अरबी लोग, वो इसको ज़्यादातर आपने देखा होगा पहने हुए, चाहे कुवैत का बादशाह ले लो, सऊदी का बादशाह ले लो, या किसी भी गल्फ कंट्री का जितने भी बादशाह हैं वो सारे शेख इसको पहनते हैं नॉर्मली, कहीं भी बाहर जाते हैं या नॉर्मल लाइफ में इसको पहनते हैं। तो ये कैसे बनता था वो यहाँ पर दिखा कर रखा हुआ है। सो ये जो चरखा है ना भाई लोग, इसको देखने के बाद में मुझे अपने मेरा जो बचपन है ना इसको मैंने अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ था, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटा था इसको मैं अपने घर में देखता था, मेरे घर में ये काम होता था, उसके अलावा मेरे आस पड़ोस के जितने भी घर थे उसमें कहीं ना कहीं ये काम ज़रूर होता था। मतलब ऑलमोस्ट जो पुराने ज़माने में यहाँ पर यहाँ का जो लाइफ स्टाइल था अरबी लोग का और अपने इंडिया में जो लाइफ स्टाइल था पुराने ज़माने में ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही कपड़े बुनने का काम होता था और अपने यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा होता था, और कहीं ना कहीं आपको अगर आप जाओगे अपने पुराने गाँव में या फिर कस्बों में तो वहाँ पर ये काम जो है ना खादी के कपड़े को बुनने का वो आज भी आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। ओके यहाँ पर ये पूरा अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो इसको अभी पूरा कवर कर दिया गया है क्योंकि शाम का टाइम हो गया, सारे जितने भी विजिटर थे वो जा चुके हैं, और यहाँ पर ये कुछ कपड़े लगे हुए हैंगर में, तो ये जो कपड़े भी हैं ना ये कैसे क्या बनते थे पुराने ज़माने में और कैसे क्या रहते थे पुराने ज़माने में कपड़े अरबी लोग के, वो भी यहाँ पर एक एक सैंपल यहाँ पर पूरे लगा करके रखे हुए हैं। यहाँ पर ये कुछ ये भी एक हैंगर में लगे हुए पूरी लाइन से, एक से बढ़िया यार, पुराने ज़माने में भी जो है अरबी जो वुमेंस जो औरतें होती थी वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। देखो एंड्रॉयडरी का जो काम होता है ना वो यहाँ पर बना हुआ है, और इसमें भी इसमें तो पूरा ये अरबी में ही लिखा हुआ है।
सो ये जो साधु हाउस है ना, इसको एक हिसाब से यहाँ पर जो खादी का काम होता है, जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है पुराने ज़माने में, उसको ज़्यादातर यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पर जो अरबी लोग का जो पुराने ज़माने में जो लाइफ स्टाइल था, उसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो साधु हाउस जो कि एक ट्रेडिशनल कुवैती हाउस है, जो कि 1936 में बनाया गया था यूसुफ अल मरजूक के द्वारा, जिसे फिर 1970 में यहाँ की स्टेट मिनिस्ट्री ने परचेज किया, और उसके बाद तब से लेकर अब तक इस घर को यहाँ की आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस घर को यूज़ किया जाता है। तो ये वो एक मेन डोर है जो आपको मैं पहले दिखा रहा था। यहाँ पर एक दूसरा ये डोर है जहाँ से शायद एंट्रेंस है। तो यहाँ पर ये मेन डोर है, और जैसे ही यहाँ पर इस डोर से भी आप अगर एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर कुछ नज़ारा मिलेगा, जहाँ पर कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा ये पूरा ट्री टाइप का, पेड़ टाइप का बना के रखा है ऊन से। ये देखो यहाँ पर ये पूरा पेड़ टाइप का बनाया हुआ है, जो कि पूरा का पूरा ऊन का बना हुआ है। देख लो भाई, तो बहुत ही बड़ा यार बना हुआ है, और कितना कलरफुल डिज़ाइन टाइप का बना के रखा हुआ है ये ट्री को, एक पेड़ को ऊन के कपड़े से जो धागा बनता है ना, उससे बनाया हुआ पूरा। और यहीं से जब आप यहाँ पर एंटर करोगे, ये एक अलग से यहाँ पर एक रूम बना करके रखा हुआ है, जिसमें भी यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है लगा करके रखी हैं। ये यहाँ पर साइड में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स लगी हुई हैं, जिनमें यहाँ पर ये जो अलसादु हाउस है ना, इसी के बारे में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। और ये वो एक पूरा रूम है जिसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो है लगी हुई हैं, ऊन के बारे में या फिर जो कपड़े बनते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। ओके सो गाइस, आज का ये जो व्लॉग है, इसको अब हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो, तो इसकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको फॉलो करके आप यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद में शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक ये ओपन होता है। और फ्राइडे का जो दिन है वो उस दिन ये बंद रहता है, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री में है, कोई भी चार्जेस नहीं इस घर के अंदर जाने के लिए। और इसके अलावा ये जो साधु हाउस है ना, इसी के बगल में एक और म्यूज़ियम है, कुवैत नेशनल म्यूज़ियम, जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ना, ये है कुवैत नेशनल म्यूज़ियम। तो ये दोनों एकदम बगल में ही बने हैं, तो यहाँ पर भी मैंने एक व्लॉग बना के रखा है डिटेल में, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, तो वो मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप इस व्लॉग को देख सकते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर देना, ताकि इस चैनल पे कोई भी नया व्लॉग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ओके सो चलो, ये जो व्लॉग है इसको अगर आपने नहीं देखा, तो इस पर क्लिक करो और देखो जाकर के, और मैं मिलता हूँ आपको इसी व्लॉग में। ओके और भाई लोग, चलते चलते एक चीज़ और देख लो, ये जो साधु हाउस है ना, इसी के बगल में कितनी बड़ी यहाँ पर ये बोर्ड बना के रखी है, लकड़ी की वुडन बोर्ड है। देख लो यहाँ से लेकर के वहाँ तक, बहुत ही बड़ी ये बोर्ड है। ये जो नेशनल म्यूजियम है ना, इसी के बगल में आपको ये मिलेगी, कितनी बड़ी भाई साहब ये बोर्ड है।